क्या इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हमारे सोचने नहीं सोचने से क्या होगा? नहीं नहीं, एक एक वोट कीमती है। वो तो है। महिलाओं में ज्यादा किसका इस बार जो है चर्चा है? जो महिलाओं को योगदान दे रहे उन्हीं का। एक बार रोकिए जरा, वोट डाल दिया आपने? नहीं अभी नहीं डाला। नहीं डाला, भीड़ बहुत है। अच्छा, क्या देख रहे हो चुनाव में, क्या रुझान समझ में आ रहा राव में? कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है अभी तो। चुनाव एक नंबर चल रहा है, 50-50 है। देखिए मधु भैया का चांसेस ज्यादा लग रहे हैं जीतने के। वोट डाल दिया आपने, जा रहे हैं? दिया था, डाल दिया ना। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार देख रहे हैं एक तो युवा शक्ति है, और जनता में बहुत आक्रोश है, बेरोजगारी है। आप देख ही रहे भ्रष्टाचार जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है, इतना शायद ही मेरे हिसाब से वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, क्या माहौल दिख रहा है? जीतू पटवारी ही आएगा ऐसा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ पे। वोट डाल दिया आपने भी? जी सर, बिल्कुल वोट डाल दिया। अच्छा मैम, आपने भी डाल दिया, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? बात पर ही वोट दिया है, और जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पे जो काम करेगा उसी को देंगे। माहौल तो हमें कांटे का लग रहा है, मुद्दा विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार से मुक्ति। भ्रष्टाचार बढ़ गया अभी, बढ़ा हुआ तो ये तो आप सब भी बता सकते हैं। नहीं नहीं, आप जनता ज्यादा महसूस करती है। भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। जीतू पटवारी के सपोर्ट, जीतू पटवारी का। हाँ सर, वोट डाल दिया आप लोगों ने? जी डाल दिया। क्या दिख रहा है माहौल, क्या लग रहा है? जीतू भैया जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतू पटवारी बिल्कुल, जीतू पटवारी सब पे भारी। मध्य प्रदेश की खासम खास सीट जो है उनमें से एक सीट है राव की सीट, और राव की सीट पर जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी के सामने बीजेपी की तरफ से मधु वर्मा। और इस बार क्या होगा वो जानने के लिए हम राव की सीट पर पहुंच चुके हैं। बड़ा पोलिंग बूथ है, करीब 10,000 वोट यहां पर हैं। और देखिए वाकई लोकतंत्र का त्यौहार दिख रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों की चहल पहल आप देखिए जैसे कोई मेला लग रहा हो, और मेले में लोगों का आना जाना जिस तरह से जारी होता है तो उस तरह से चहल पहल दिख रही है। तो ये चुनाव वाकई लोकतंत्र का त्यौहार इसीलिए जो है कहा जाता है, और राव में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो वोट डाल दिया आप लोगों ने? डाल दिया। दिखाओ जरा उंगली, दिखाओ, क्या देख रहे हैं राव में आप लोग अभी इस बार? हम देख रहे हैं राव में मतलब तरक्की, राव में खुशहाली, इसके चलते वोट दिया सर। क्या इस बार मेन मुद्दा क्या रहा वोटर का? मेन मुद्दा अपना वही सड़क, बिजली, रुको, रोजगार, ये मेन मुद्दे रहे। आपने डाला वोट? डाला एक हार्ड डाल दिया भैया। रुको, अरे इधर क्या देख रहे हो साहब, हमारे खड़े हैं। वोट डाला आपने? अभी नहीं डाला, अभी नहीं डाला है, अभी डालूंगा, दोपहर का टाइम हो रहा है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर मतदाता, क्या देख रहा है मतदाता? देखता है एक युवा को, युवा जो जीतू पटवारी जो युवा है उनको देखता है। ये देखता है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हमारी सरकार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बनाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे माहौल पूरा गर्म है, रात को भी जो है वो आंसू गैस के गोले चले, खबरों में बड़ा राव जो है वो इस वक्त खूब चर्चा में है। वो भोरकुआ पे था, कुछ मधु वर्मा के भाई ये झगड़े करते रहते हैं, आए दिन करते रहते हो, उस कारण प्रशासन ने कोई आंसू गैस के गोले छोड़े होंगे। तो देखिए अभी नौजवान वोटर जो है, आप लोग वोटर हैं? वोटर हैं आप लोग भी? वोट डाला है? नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, पहला फर्स्ट टाइम का वोट है आपका या पहले भी वोट डाल चुके? पहले डाल चुकी हूँ। अच्छा, क्या युवा क्या देख रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस, खुल के बोलिए क्या आप? राइट कैंडिडेट, तो आपको राव की अगर बात करें तो राव में क्या समझ में आ रहा है, क्या मुद्दे हैं यूथ के? एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट वोट एंड या आई विल चूज द राइट कैंडिडेट ऑफ मायसेल्फ इज इट। आपका भी पहला वोट है जी? क्या देख रहे हैं आप? मैं अच्छा कैंडिडेट देख रहा हूँ जो राव की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। अच्छा ठीक है, तो कुछ लोगों को जो है वो, रोकिए जरा रोकिए, वोट डाल दिया आपने? हाँ नहीं डाला, नहीं डाला है। क्या देख रहे हैं, क्या इस बार राव में क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो बढ़िया है, जीतू पटवारी जी आई हैं लग रहा है ऐसा। हाँ लग रहा है। बहन जी वोट डाल दिया? क्या इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या कह सकते हैं, सब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सोचने नहीं सोचने से क्या होगा। नहीं नहीं, एक एक वोट कीमती है। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन हम कह नहीं सकते कुछ। महिलाओं में ज्यादा किसका इस बार जो है चर्चा है? वही है,
जो महिलाओं को योगदान दे रहे उन्हीं का। अच्छा चलिए, हाँ एक बार रोकिए जरा, वोट डाल दिया आपने? नहीं अभी नहीं डाला। नहीं डाला, भीड़ बहुत है। अच्छा क्या देख रहे हो चुनाव में, क्या रुझान समझ में आ रहा राव में? कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है अभी तो, दोनों कैंडिडेट बहुत ठीक है अभी। हाँ जी भाई साहब, कैसा चुनाव? एक नंबर चल रहा है, 50-50 है। देखिए मधु भैया का चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जीतने के। अच्छा ऐसा है, ठीक है। रोकिए रोकिए, वो डाल दिया? हाँ जी। क्या देख रहे हैं आप, महिलाएं क्या चाह रही हैं आप इस बार वोट में? कुछ नहीं, अब देखो रिजल्ट क्या आता है। क्या सोच करके इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? विकास, विकास, विकास और देश का हित। देश के हित में वोट करा, सनातन धर्म के पक्ष में वोट करा, अपने हिंदू धर्म के पक्ष में वोट करा। अच्छा चलिए, वोट डाल दिया आपने, जा रहे हैं? दिया सर, डाल दिया ना। अच्छा क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार देख रहे हैं, एक तो युवा शक्ति है और जनता में बहुत आक्रोश है, बेरोजगारी है, आप देख ही रहे भ्रष्टाचार जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है, इतना शायद ही मेरे हिसाब से वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। ठीक है, आपने डाला वोट? बोल चुका पहले। अच्छा बोल चुके हैं, डाल दिया वोट? डाल दिया? हाँ डाल दिया। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, क्या माहौल दिख रहा है? जीतू पटवारी ही आएगा ऐसा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है, डालो। एक मिनट रोकिए रोकिए, रोकिए रोकिए, वोट डाल दिया? वोट डाल दिया आपने? वोट अभी डाला यार। नहीं डाला है? अभी डालेंगे। क्या डालेंगे ना? देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा अच्छा, वोट डाल दिया आपने भी? जी सर बिल्कुल, वोट डाल दिया। अच्छा मैम आपने भी डाल दिया, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? इस बार विकास की बात पर ही वोट दिया है और जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पे जो काम करेगा उसी को देंगे। क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो हमें कांटे का लग रहा है। अच्छा बराबर का लग रहा है ना, मुद्दा विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब है। भ्रष्टाचार से मुक्ति भी, भ्रष्टाचार से मुक्ति तो भ्रष्टाचार बढ़ गया अभी, बढ़ा हुआ तो ये है। तो आप सब भी बता सकते हैं। नहीं नहीं, आप जनता ज्यादा महसूस करती है। भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ है ये। जी ठीक है, वोट। ये कुछ सामान दे के आ रहे हैं आप तो, है इधर राव के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मऊ का रहने वाला हूँ। मऊ का, मऊ का, तो मऊ में वोट डाला नहीं डाला अभी? आज अभी नहीं डाला सर, अब जा रहा हूँ। क्या माहौल लग रहा है मऊ का? सर अभी तो सुबह से आ गया था मैं तो, उठ करके काम करने। अच्छा वोट डाल दिया? वो बिल्कुल वोट डाला है भाई साहब। क्या माहौल लग रहा है? माहौल आप किस तरीके से पूछना चाह रहे हैं? हम तो मतदाता का इस बार मूड मिजाज क्या है वो पूछ रहे हैं भैया। क्या मुद्दा लग रहा है वोटिंग के लिए? वोटिंग में इस बार जनहित में, राष्ट्रहित के लिए सभी लोग अपना अपना वोट कर रहे हैं और 3 तारीख को सभी को पता ही चल जाएगा। ठीक है ठीक है, वोट डाल दिया मैम? क्या देख रहे हैं महिलाएं, क्या सोच रही इस बार? अभी तो देखो मालूम पड़ेगा आएंगे जो। क्या सोच करके वोटिंग किया? देश का विकास और आने वाले समय के लिए और उज्जवल हो। अच्छा ठीक है ठीक है, वोट डाला भाई? वो डाला या नहीं डाला? अभी नहीं डाला। क्या देख रहे हैं आप लोग इस बार? बीजेपी लग रहा है। हाँ। क्या हो रहा? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया है सर। वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया सर। क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी का मतलब टक्कर का मुकाबला है, अब कौन जीतेगा ये मेरे को भी नहीं मालूम है। आपका क्या है? बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, जीतू पटवारी के सपोर्ट में। जीतू पटवारी का? हाँ हाँ सर। अच्छा रोको भाई रोको जरा, एक बार वोट डाला है? अच्छा वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या रहा है इधर, इधर क्या माहौल दिख रहा है? इधर तो बीजेपी का ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है चलते रहिए। वोट डाल दिया आप लोगों ने? ये डाल दिया। क्या दिख रहा है माहौल, क्या लग रहा है? जीतू भैया जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतू बटवारी, जीतू बटवारी, बिल्कुल जीतू बटवारी सब पे भारी। ओके हाँ जी, वोट डाल दिया? डाल दिया डाल दिया। क्या मूड मिजाज है लोगों का? बस बढ़िया है सर। क्या है फिर भी लोगों में, क्या इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा सब बढ़िया है सर। अच्छा ठीक है, आपने डाला भाई वोट? हाँ डाल दिया। तो क्या इधर ड्यूटी वगैरह लगी हुई है? ड्यूटी लगी ये बीजेपी की तरफ से। हाँ। अच्छा क्या दिख रहा है माहौल?
जी 10 साल से जो अराजकता फैली है उसे उखाड़ फेंकेंगे इस बार। डाला आपने वोट? डाला बिल्कुल सर। क्या देख रहे हैं युवा, क्या चाह रहा है इस बार? युवा जीतू पटवारी को चाह रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस की लहर है भैया पूरे प्रदेश में, और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। ठीक ठीक। वोट डाला? नहीं सर, अभी नहीं डाला वोट, अभी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डालना ही थोड़ा जी। बोलिए, माहौल किसका दिख रहा है? माहौल तो विकास के मुद्दे का है, और जो जनता के लिए काम करेगा उसके ऊपर वोट देंगे। ऐसे तो घूमने फिरने वालों को तो वोट नहीं मिलेगा, हालांकि वोट अपने ऊपर है कि किसको देना है, वो मेरी प्राइवेसी है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा चलते चलते लोगों को रुकवा करके बात करने की हमारी कोशिश है, ताकि एक सही सही जो है निष्पक्ष तरीके से लोगों की राय सामने आ सके, क्योंकि अगर किसी के कैंप में जाकर के बात करेंगे तो फिर कैंप वाली बात जो है समझ में आएगी, और इसीलिए लोगों को रुकवा करके उनसे बात कर रहे हैं ताकि लोगों की आम राय क्या है वो थोड़ा पता चल सके। और देखिए बड़ी चहल पहल है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डाला? हाँ डाल गया है ना। क्या देख रहे हो भाई? कांग्रेस आ रही है ना रहूँ से, तो कांग्रेस आ रही है और मऊ से अंतर सिंह दरबार भी आ रहे हैं। मऊ से अंतर सिंह दरबार भी आ रहे हैं। मऊ से अंतर सिंह दरबार भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मऊ विधानसभा। ठीक है, इधर इधर थोड़ा घूमिए आप। क्या देख रहे हैं, वोटिंग कर दिया? हाँ वोटिंग कर दिया। क्या इस बार आम मतदाता क्या देख रहा है? आम मतदाता अभी टक्कर गए है, बहुत अच्छी टक्कर है, और वो दोनों में से बहुत कम हार जीत होगी, बहुत कम ऐसा लगता है, बहुत कम वोटों से। अच्छा, जो भी जीतेगा बहुत कम वोटों से जीतेगा। चलिए, तो ये जो है वो राऊ की विधानसभा है, इंदौर जो है वो जिले की लगती हुई विधानसभा है, और इंदौर की जो 9 सीटें हैं उनमें से राऊ भी एक सीट है, और यहीं पर लोगों से जो है वो घूमते घूमते बात करने की हमारी कोशिश है। थोड़ा इधर रहिए आप, इधर रहिए। हाँ, इधर से लोग जो आ रहे हैं उनसे थोड़ा बात करते रहेंगे। हाँ, वोट डाल दिया आपने? हाँ सर, डाल दिया। क्या क्या माहौल समझ में आ रहा है, क्या लोगों को लग रहा है? माहौल तो अभी सर ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांस है, मतलब ये ऐसी चल रही है आजकल, ये मेरे हिसाब से तो 50-50 है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? आपने डाल दिया वोट? हाँ, मेरी वोट तो अभी डली नहीं, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, रीवा से हूँ। अच्छा अच्छा, तो रीवा में क्या माहौल लग रहा है? रीवा में कांग्रेस। और इधर क्या लग रहा है? इधर भी कांग्रेस ही लग रहा है। अच्छा, वोट डाला भाई? डाल दिया ना भैया। क्या लग रहा है? कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा, हाँ दोपहर का समय, लेकिन दोपहर में भी एक अच्छी खासी चहल पहल है इधर। हाँ, वोट डाल दिया सर? वोट डाल दिया। हाँ, क्या देख रहा है यहाँ का मतदाता इस बार? मतदाता क्या, जो विकास करेगा उसको। फिर भी क्या मुद्दा इधर बड़ा है? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये है, महंगाई। तो आप मुद्दे से थोड़ा सा मिजाज जो है वो समझते रहिए, और बस एक बार यहाँ से थोड़ा बात करते हैं, फिर एक दो लोगों से बात करेंगे, ख़त्म करेंगे उसके बाद में। और कोशिश यही है थोड़ा ज़्यादा लोगों की राय जो है वो ले ली जाए, ताकि हाँ थोड़ा थोड़ा हम पूछेंगे बस। हाँ, क्या क्या लग रहा है चुनाव? वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला। अभी नहीं डाला है, देख रहे हैं यहाँ पे बैठ करके आराम से। क्या क्या लग रहा है? कांटा पकड़ चल रही है अभी तो। अच्छा, आपने डाल दिया? वोट डाल दिया? नहीं डाला। आओ भैया। हाँ, अभी नहीं डाला। अच्छा, क्या देख रहा है युवा, नौजवान क्या सोच रहा है? आप लोग कहीं नहीं सोच रहे, डालेंगे जब देख लेंगे। क्या कह रहे हो? अभी भीड़ बढ़ रही है, थोड़ी भीड़ बढ़ रही है उधर, इसलिए अभी बैठे हुए हम बस, बाकी जैसे डाल देंगे। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? बढ़िया माहौल नजर आ रहा है। किसका नजर आ रहा है? कहीं नहीं, दोनों पार्टी के मजा बड़े लग रहे हैं। अच्छा, बस वो शानदार लग रहा है। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते सर। ऐसा है, अभी क्या बोले ऐसा। अभी तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा इधर क्या रहा, लोगों ने किस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा वोटिंग की है इधर? आइडिया ना इसका अपने को अभी यार। इतना मालूम नहीं, अभी इतना मालूम नहीं। आप क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हो? बस बैठे हैं अभी तो, भीड़ देख के भी नहीं। भीड़ तो देख ही रहे हो, लेकिन वोट डालने के लिए जब जाओगे तो क्या सोच करके वोट करोगे? कुछ भी नहीं सोच रहे अभी। नहीं, सोच करके तो वोट करना चाहिए, सोच समझ करके तो करना चाहिए वोट। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। चलो, हाँ बोलो। हमारा बीजेपी का सरकार बनने की है, बीजेपी बनने की है, बीरेगा बड़ा पक्का है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई भी जीते देश का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। चलिए, तो देश का भला जो है वो कौन कौन कर सकता है? दावे वादे तो सभी करते हैं। आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी? क्या देख रहे हैं आप नौजवान, जो महिलाएं हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? भैया देखो, एक बात तो है कि वोट चाहे आप कितने भी दे लो, चाहे कुछ भी कर लो, जिसको जो करना वो ही करेगा। मेरे को क्योंकि ना वोट देने के बावजूद भी आज तक कोई नतीजा नहीं, और मैंने तो 5 साल से आज पहली बार देने जा रही हूँ। नहीं, सब तो 5 साल में एक ही बार देते हैं वैसे तो वोट तो। नहीं, पर मैंने आज तक दिया ही नहीं है।
अच्छा, इससे पहले किसी चुनाव में वोट नहीं दिया आपने? नहीं दिया, क्योंकि अच्छा। मुझे ना कोई नतीजा मिलता हुआ दिखता नहीं है, और अब देख रही हूँ क्या पता कोई काम हो जाए। चलिए अच्छी बात है, आप निकल के आए। तो ये जो है वो राव की मतदाता यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। वोट डाल दिया आप लोगों ने? आइए थोड़ा ये थोड़ा पास में आइए। क्या देख रहे हैं आप लोग इस बार चुनाव में है? चुनाव में क्या लग रहा है, वोट क्या सोच के किया इस बार? हम तो पुल की सोच से। पुल की सोच से हाँ। और आपका? अब सर जो भी टाइम पे बता देंगे जो डाला है वो जो। अच्छा, तो कैसा मतलब एक तरफा लहर है या कैसी है चुनाव कैसा है? अब हमको तो इतनी जानकारी नहीं सर, आप लोग को पता है ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना सर, मैं तो ड्यूटी से आई हूँ और अभी यहाँ बैठी हूँ। अच्छा। मैं ड्यूटी वाली हूँ, आ रही है। तो देखिए बॉस, यही जो है वो चुनाव है और यही चुनाव का गणित है। कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई दूसरे को देख करके बोल देगा, लेकिन हो सकता है उसके मन में कुछ और हो, क्योंकि बहुत बार जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी वोटर होता है जिसका गुस्सा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी वोटर होता है जिसका खुशी भी होती है। कोई सरकार को लाने के लिए वोट करता है, कोई सरकार को उखाड़ने के लिए वोट करता है, कोई विधायक के नाम पर वोट करता है। जीतू पटवारी की ये सीट है, राव की सीट है, खासी चर्चा में रहती है। और यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है, तमाम लोगों से चलते चलते लोगों को रुकवा करके हमने बात की है, ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा है आपके सामने, पूरा रिपोर्ट आपके सामने है। आप बताइए इस बार राव में क्या आपको दिख रहा है, और मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।